वालेकुम एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स हमें दे दिया है और क्या कह रहा है, देन फाइंड करने कह रहा है ए स्क्वायर माइनस 5ए प्लस 4i। आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। अब देखें, सबसे पहले ये उतार लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4iota, मतलब i है यूनिट मैट्रिक्स इक्वल। अब यहां पे देखें आप, a हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ माइनस 2 1 0 3 5 8 4 0 माइनस 1। ये मैट्रिक्स हमने उतार लिया, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए स्क्वायर बन जाएगा, बेस सेम पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसे दो बार उतार लेता हूँ, माइनस 2 1 0 माइनस 1 4 3 0 8 5। दो बार उतार लिया, फिर क्या करना है, माइनस 5, फिर ए मैट्रिक्स को उतारना है, ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, माइनस 2 1 0 माइनस 1 0 8 5 4 3। फिर ये मैट्रिक्स उतार लिए, प्लस 4i। इसको नीचे जाके मैं सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा। तो देखें यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i इक्वल। अब यहाँ पे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब देखें माइनस 2 को माइनस 2 से करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, अब 1 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, और 0 को 0 से करेंगे तो प्लस का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 2 को 1 से करेंगे तो माइनस का 2, अब 1 को 4 से करेंगे तो प्लस 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 का 4, 0 को 8 से करेंगे तो प्लस 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 का 0, ठीक है। अब माइनस 2 को 0 से करेंगे तो माइनस 2 को 0 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का 0, अब 1 को 3 से करेंगे तो प्लस 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 का 3, 0 को 5 से करेंगे तो प्लस का 0, अब माइनस 1 को 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा, 3 को 0 से करेंगे तो प्लस 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 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 1 को 1 से करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, 4 को 4 से करेंगे तो प्लस प्लस 16 हो जाएगा, 3 को 8 से करेंगे तो प्लस प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, माइनस 1 को 0 से करेंगे तो माइनस का 0, 4 को 3 से करेंगे तो प्लस 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 12, अब 3 को 5 से करेंगे तो प्लस प्लस 15, ठीक है। अब लास्ट रॉ को करते हैं, 0 को 2 से करेंगे तो माइनस का 0, अब 8 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 8, अब 5 को 0 से करेंगे तो प्लस 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 का 0, अब 0 को 1 से करेंगे तो 0, 0 को 1 से करेंगे तो 0, 8 को 4 से करेंगे तो प्लस का 32, ठीक है। अब 5 को 8 से करेंगे तो प्लस प्लस 40, ठीक है, 5 को 8 से कर दिया 40 हो गया। अब 0 को 0 से करेंगे तो 0, 8 को 3 से करेंगे तो प्लस 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 का 24, अब 5 को 5 से करेंगे तो प्लस का 25, ठीक है। हमने ए मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखते हैं इसको माइनस 5, इसको एज इट इज हम उतार लेते हैं, ठीक है। माइनस 2 माइनस 1 0 8 5 3 0 4 1 प्लस 4 iv इधर एज इट इज उतार लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखें, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 4i इक्वल। अब देखते हैं इसको अंदर वाले को सॉल्व करके देखते हैं, 4 माइनस 1 3 प्लस 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 3, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे प्लस का 2 प्लस का 0 तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस 0 प्लस 3 प्लस 0 तो ये हमारा होगा प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 प्लस का 0, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, ठीक है, 2 माइनस 4 प्लस 0,
ठीक है, यहाँ पे हमारा माइनस का 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस प्लस माइनस हो रहा है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो हमारा प्लस का 15, प्लस का 15 और प्लस का 24, ठीक है, ये हमारा आ रहा है 33, ठीक है, 33 आ गया। अब यहाँ पे देखें माइनस 0 प्लस 12 प्लस 15, तो ये हमारा आ रहा है 27, ठीक है, 27। और यहाँ पे देखें माइनस का प्लस का कैंसिल, तो सिंपल यहाँ पे माइनस 8 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 0 प्लस 32, 32 प्लस 40, 40 और 30 कितना होता है हमारा 70, 70 और 2, 72, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 24 प्लस 25, तो हमारा हो जाएगा 49, ठीक है। अब इसे माइनस करवा लेते हैं सिंपल, अब इसको मैं 5 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तो मैं इसको डायरेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, माइनस का 10 आ जाएगा, 5 को 1 से करेंगे तो प्लस का 5, 5 को 0 से करेंगे तो 0, 5 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 5, 5 को 4 से करेंगे तो 20, और 5 को 3 से करेंगे तो 15, 5 को 0 से करा 0, 5 को 8 से करा तो 40, 5 को 5 से करा तो 25। ये हमने 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया ये मैट्रिक्स को, ठीक है। अब प्लस 4, आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स, 3x3 पे हम करेंगे, तो यहाँ पे देखें 1 0 0 0 1 0 1 0 0, दिस इज यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जगह नहीं बच रहा है, तो मैं ऊपर वाले को पहले रिमूव करूंगा, फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो मैं यहां से इसे रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देखें आप, ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस का 4 आई इक्वल, अब इन दोनों को क्या करेंगे, सिंपल माइनस कर देंगे प्लस, अब इसको तो पहले करके देख लेते हैं, तो 4 1 4 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 1 4 4 0 0 4 0 0 4 1 4, है ये, इसे हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहले इन दोनों को माइनस करवा लेते हैं, अब क्या करते हैं माइनस, तो यहाँ पे देखें 3 माइनस 10, तो यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 प्लस 10, ठीक है, ठीक है, माइनस कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो प्लस पहले से फार्मूला के साथ होता है, पहले से फार्मूला हो, फार्मूला के साथ प्लस होता है, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस 10 हो गया, 2 माइनस 5, ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस 5 आ गया। अब 3 माइनस 0 -2 -5, तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -2 माइनस माइनस प्लस का 5, ठीक है, प्लस का 5 हो गया। अब 33 माइनस का 20, 27 माइनस का 15, ठीक है, -8 -0, 72 -40, 72 -40, ठीक है, 49 -25, ठीक है, ये दोनों को हमने माइनस करवा दिया। अब मजीद से नीचे करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, अब देखें यहाँ पे इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप 3 प्लस 10 13 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, 2 माइनस 5, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, 3 माइनस 0 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा,
माइनस एट और माइनस जीरो, माइनस एट माइनस जीरो तो ये होगा हमारा माइनस का थ्री। ठीक है, 72 में से 40 गया तो हमारा बच जाएगा 32। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 49 माइनस 25 तो हमारा होगा 49 माइनस 25 24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 27 माइनस 15, 27 माइनस 15 हमारा होगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 33 माइनस का 20 यहाँ पे बच जाएगा 30। अब जस्ट क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं ये पूरा मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का 5 ए प्लस 4 आई, ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 4 आई इक्वल, अब यहाँ पे देख ले आप 13 प्लस 4 कितना होता है हमारा 17। ठीक है, माइनस 3 प्लस का 0 तो माइनस 3 प्लस का 0 तो हमारा माइनस 3 आएगा। ठीक है, माइनस 3 आ जाएगा, अब 3 प्लस 0 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 0 तो माइनस 3 आ जाएगा, 13 प्लस 4 तो हमारा आ जाएगा यहाँ 17। ठीक है, 12 प्लस 0 तो यहाँ 12 आ जाएगा, 32 आ जाएगा यहाँ, यहाँ पे 24 प्लस 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 28। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 4 भी आज हमने कंप्लीट कर लिया।